हाय दोस्तों, कोरोना वायरस से बचने के सरल उपाय। मैं बैच बुक विद एच एस शर्मा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, COVID-19 के वायरस से बचने के बहुत सारे उपाय जो मेरी नॉलेज में है, वैसे तो आप सबको मालूम ही होगा। समय समय पर लोग मार्केट में और दोस्तों के द्वारा और बहुत सी वीडियो जो आती रहती हैं उसमें से आपको अच्छी जानकारी मिलती होगी। फिर भी दोस्तों, मैं चाहता हूं कि जो बैच बुक के साथ जुड़े हुए हैं, हमारे प्यारे दोस्त हैं, उनको भी मैं ये बातें शेयर करूं जितनी मुझे नॉलेज है। दोस्तों, कोरोना वायरस से बचने के सबसे सरल उपाय ये है कि हमारे को अपनी बॉडी के अंदर एक इम्यूनिटी बनाए रखनी है। इम्यूनिटी दोस्तों बनाए रखने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हमारे को जो सीजनेबल सब्जियां होती हैं, जो फ्रूट्स होते हैं, जो मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, उनका प्रचुर मात्रा में अपने शरीर में इम्यूनिटी बनाए रखने के लिए सेवन करना चाहिए। इसके अंदर विशेष सब्जियों में जो विशेष रोल हरी सब्जियों का आता है, फ्रूट्स के बारे में तो आपको नॉलेज है, जानकारी है, जिसके अंदर ये विटामिन पाए जाते हैं। दोस्तों, दूसरा जो सबसे सरल तरीका है अपने शरीर में प्रोटीन को बनाए रखने के लिए, वो है दालें। दालें एक ऐसी प्रोटीन शरीर में बनाए रखने के लिए बड़ी आसानी से हमें मार्केट में मिल जाती हैं और हमें इसका प्रचुर मात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा इसका सेवन करना चाहिए। दोस्तों, तीसरी चीज़ जो आती है वो आती है दूध। दोस्तों, दूध से बनी हुई चीज़ें जो है हमारे शरीर में प्रोटीन की मात्रा को प्रचुर मात्रा में हमारे शरीर में जो इसकी ज़रूरत होती है उसे पूरा करते हैं। जैसे इसमें सबसे मेन चीज़ आता है पनीर। पनीर को हम अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। दूसरा इसमें आती है दही। दही जो है कोरोना वायरस से बचने के लिए सबसे अच्छा विटामिन है, जो हमारे शरीर को बड़ी आसानी से मिल जाता है। इसके अंदर वो सारे विटामिन होते हैं जिसकी रिक्वायरमेंट हमारे शरीर में होती है। दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ है कि दही हमारे को कभी भी रात को यूज नहीं करनी चाहिए, इसे दोपहर को ही यूज करना चाहिए। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज़ आती है, ये आती है कि वैसे तो समय समय में प्रोटीन और इम्यूनिटी बनाए रखने के लिए बहुत सी वीडियो मार्केट में आती रही हैं, फिर भी जो मेरी अपनी जानकारी थी वो मैं आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहूँगा। दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि हमारे को दिन में कम से कम 2 बार गुनगुने पानी का भी नमक डाल के गरारा करना चाहिए। और यदि आप चाय का सेवन करते हैं तो चाय में तुलसी का प्रयोग करना चाहिए। जैसा कि आप दोस्तों, आपको पता ही है कि गर्मी का सीजन चल रहा है, तो गर्मी के मौसम में हमारे को चाय बनाते वक्त भी बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, जो कि हमारे शरीर के लिए वैसे तो बहुत ज़रूरी है, पर यदि हमारे शरीर में उसको उसकी मात्रा को हम आसानी से पचा सकते हैं, यदि हमारे पेट में कोई दिक्कत नहीं होती तो हमारे को अपनी चाय में इनका भी प्रयोग करना चाहिए। जैसे दोस्तों, इलायची, दालचीनी, अदरक, बड़ी इलायची, इनका भी हमें प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, ये सारी चीज़ें हमारे शरीर में जो है इम्यूनिटी को बनाए रखता है, पर हमारे को अपने शरीर के अकॉर्डिंग ही इनका सेवन करना चाहिए। दोस्तों, कोरोना वायरस इस कोविड की बीमारी से बचने का सबसे और भी सरल उपाय यह है कि हमें हमेशा 2 गज की दूरी बनाए रखनी है। जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं, हमें अपने मुंह पर मास्क का प्रयोग करना है। बिना मास्क के हम घर से बाहर ना निकलें। दोस्तों, सैनिटाइजर हमेशा अपनी जेब में रखें। जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं, निकलना ही पड़ता है, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे खुद परचेज करनी पड़ती हैं, पर कोशिश करें कि जब भी आप बाहर निकलें कम से कम समय में अपना ज़्यादा से ज़्यादा सामान लेकर वापस आ सकें और सैनिटाइजर का समय समय पर प्रयोग करते रहें। सबसे बड़ी चीज़ तो दोस्तों ये है कि हमें भीड़ भाड़ वाली जगहों से अपने आप को दूर रखना है, अपने आप को बचा के रखना है,